भय्यू महाराजांच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये त्यांचे चालक, सेवक आणि केअरटेकर यांना दोषी ठरवण्यात आले. आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आलाय आणि निर्णय आलाय इंदोर कोर्टाकडून. 2018 भय्यू महाराज यांनी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली होती आणि त्यांच्या आत्महत्येबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. याशिवाय भय्यू महाराज यांच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये त्यांचे चालक, सेवक आणि केअरटेकर यांच्यावरही ठपका ठेवण्यात आला होता. न्यायालयानं तिघांनाही दोषी मानलेलं आहे आणि आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवल्याचा निर्णय इंदूर कोर्टानं दिलाय. भोपाळहून आपले प्रतिनिधी ब्रजेश राजपूत आपल्या सोबत आहेत. ब्रजेश जी, क्या कहा है इंदूर कोर्ट ने भय्यू महाराज केस के बारे में? देखिए, भय्यू महाराज केस में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी और आज फैसले का दिन था. इंदौर के कोर्ट ने थोड़ी देर पहले ही ये बताया है कि जो तीन मुख्य आरोपी थे, सेवादार, उनका जो सेवादार था शरद, और जो उनकी केयर टेकर थी पलक, और जो एक ड्राइवर था, तीनों को सरकार कोर्ट ने माना है कि ये दोषी हैं. इन सबका भय्यू महाराज की आत्महत्या से संबंध है. इन तीनों ने विवश किया है जिसके चलते भय्यू महाराज को आत्महत्या करनी पड़ी है. भय्यू महाराज ने सन 2018 में अपने घर पर ही इंदौर में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. उस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने आज फिलहाल इतना ही कहा है कि इन तीनों लोगों को इस पूरे मामले में दोषी ठहराया जाए, माना जा रहा है सबूतों के आधार पर. मगर कोर्ट आगे इन तीनों को सजा क्या सुनाएगा, इसको उन्होंने कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है. हो सकता है फैसला शाम तक आ जाए या हो सकता है फैसला कल सुबह सुनाया जाए. मगर ये बड़ी खबर है कि इन तीनों लोगों को उनका ड्राइवर, उनका सेवादार, उनकी जो की अटेका थी, तीनों को अदालत ने उनकी आत्महत्या मामले में दोषी माना है. जी, मतलब इसके अपडेट्स अभी भी आने बाकी है कि इन लोगों को क्या सजा सुनाई जा सकती है, और ये अपडेट्स के लिए हम वापस आपके पास आएंगे. फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए ब्रजेश. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.